हाल ही में लोट पोट कॉमिक्स के मोटू पतलू कार्टून के मेकर्स ने टाइप किया है ऑस्ट्रियन एम्बेसी के साथ, ताकि इंडिया और ऑस्ट्रिया के सभी बच्चे मोटू पतलू के इंटरनेशनल किस्से जान सके। ऑस्ट्रियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में लॉन्च की मोटू पतलू की दो नई कॉमिक बुक्स वियना और साल्सबर्ग कॉमिक्स, जहां पर मौजूद थे मोटू पतलू कार्टून के कर्ता धर्ता श्री पी के बजाज जी और साथ ही साथ ऑस्ट्रियन एम्बेसडर मिसेस कैथरीना वाइसर, जिनकी मौजूदगी में इन दोनों कॉमिक बुक्स का लॉन्च किया गया। और क्योंकि ये कॉमिक्स छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, तो इस खुशी के मौके पर ऑस्ट्रियन एम्बेसी में स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे ढेर सारे 5-10 साल के बच्चे, जिनका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये सब बच्चे अपने ऑर्फनेज के टीचर्स के साथ इस इवेंट पर आए, जहां पर उन बच्चों को लुभाने के लिए पेंटिंग के साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे फन एक्टिविटीज रखी गई, जिसको उन सभी बच्चों ने बेहद इंजॉय भी किया। और ऑस्ट्रियन एम्बेसडर मिसेस कैथरीना वाइजर ने भी बच्चों के साथ यहाँ एक अच्छा समय बिताया। ऑस्ट्रियन एम्बेसडर के साथ ही साथ इस मौके पर और भी काफ़ी सारे डायरेक्टोरेट्स पर्सनालिटी मौजूद थी, जिन्होंने मीडिया को अपने इंटरव्यूज भी दिए और मोटू पतलू कार्टून के साथ जुड़ने की अपनी खुशी भी जाहिर की। और तो और मोटू पतलू के कर्ता धर्ता श्री पी के बजाज जी ने भी यहाँ पर ऑस्ट्रियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा किया अपने कार्टून के साथ जुड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर मौका मिले तो आगे चलकर वो भी दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप करना पसंद करेंगे और मोटू पतलू को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इस अवसर पर आए मेहमानों ने किस तरह अपनी खुशी जाहिर की। I feel very proud because it's not only, as you say, the first time that we cooperate with an Indian comic. It's also the first time that Lord Port, who have been here since the 1960s, so for almost 50 years, is the first time that they are going abroad, I hear. And so the first country they visit is Austria. So obviously we are very proud and very happy. Motu Pallu, bachche aap padke Austria ki sair karenge. और फिर अपने पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि हाँ जी हमें भी लेके चलो, इतनी अच्छी सुंदर सुंदर जगहें हैं, तो जैसे मोटू पतलू गए हम भी वैसे जाना चाहते हैं। Well, this was a project initiated by the Austrian Cultural Forum, which is part of the Austrian Embassy here in India. And the idea was to bring Austria closer to the readership of the Motu Patlu series of Lotbot. Honestly, I only heard of it when I started here at the Austrian Embassy, my work. So they told me that there will be a huge book launch. And then, of course, I got an edition and I read it in English. And it's really, really nice. Yeah. I'm feeling, in a way, I can't say I'm feeling young again. It's a little bit, would be a little bit exaggerated. But I enjoy very much this fantastic idea. Ye planning jo si chal rahi hai, hamari pichle काफ़ी टाइम से चल रही है और इसके सारे जो उनसे आशीर्वाद जो भी कह लीजिए जाता है हमारे सीनियर बजाज साहब